छत्तीसगढ़ में 10,000 करोड़ की लागत के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 14 नई परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दी है। इसकी विस्तृत परियोजना तैयार की जाएगी, इसके बाद निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो सकेगा। दरअसल सीएम विष्णु देव साय दिल्ली दौरे पर हैं। सोमवार को भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर मंथन हुआ। उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सड़क निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देकर सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी। वहीं रायपुर विशाखापट्टनम के पहले फेज का काम 4 महीने में पूरा हुआ। इसके लिए केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार और अधिकारियों को बधाई दी। सीएम ने बताया कि सभी परियोजनाओं को समय पर और बिना रुकावट पूरा करने के लिए प्रत्येक सप्ताह कार्य की समीक्षा की जा रही है। सीएम साय ने दिल्ली की बैठक में शामिल होने से पहले कहा था कि आज जितनी भी सड़कें छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे और भारत माला की नजर आ रही हैं, यह सब भारत सरकार और नितिन गडकरी की ही देन है। सीएम विष्णु देव साय इसी साल 19 जुलाई को मंत्री नितिन गडकरी से मिले थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ में बड़े रोड प्रोजेक्ट की जरूरत बताई थी। संकेत मिले हैं कि मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हीं में से कुछ प्रोजेक्ट को फाइनल किए हैं, जो छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बनवाए जाएंगे। रायपुर से जगदलपुर तक कंप्लीट 4 लेन और केशकाल घाट के नीचे से 15 से 20 किलोमीटर का डायरेक्ट बाईपास भी शामिल है। बाईपास बनने के बाद केशकाल घाट चढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बाईपास में 1-2 सुरंगें हो सकती हैं, जैसे देश के बाकी बड़े बाईपास में हैं। रायपुर में रिंग रोड 1 और रिंग रोड 2 की नई जरूरत के मुताबिक चौड़ाई बढ़ाने और कम से कम 3 फ्लाईओवर बनाने का काम बैठक में फाइनल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अंतरराज्यीय सड़कों को भी 4 लेन करने के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी जा सकती है।